आहार यज्ञ हवन ना करने देते, कैसे इनसे पाए पार रावण कुंभकर्ण खर दूषण, करते कितना अत्याचार कहीं सुबाहु और मरीच हैं, जिनकी गिनती कई हजार बड़े ही बलशाली दानव हैं, कौन करे इनका संहार ऋषिगण आस लगाए बैठे, कब लेंगे भगवान अवतार बनी अहिल्या श्राप से पत्थर, कब होगा इनका उद्धार बनी अहिल्या श्राप से पत्थर। कन्या का किया निर्माण बड़ी अलौकिक कन्या वो तो,
लगाए दूर दूर से दर्शन करने। लाखों भक्त रोज ही आए बना वैष्णो धाम तभी से। श्री राम की आज्ञा पाए तीन पिंडियां है माता की। कोई मूर्ति रूप है नाए पहली पिंडी सरस्वती माँ। दूजी महालक्ष्मी कहलाए तीसरी करके खड़ी सदा सहाय पर भक्तों पर कृपा करती। श्रीधर जो कहलाए जम्मू में है कटरा नगरी। और हंसाली गांव बताए श्रीधर था बड़ा निर्धन ब्राह्मण। पर माता का ध्यान लगाए सुबह शाम करे पूजा माँ की। और आरती भी वो गाए कन्याओं का करता पूजन। माता को जो बड़ा ही भाए निर्धन ब्राह्मण मेरा क्यों चलना पाए करने लगा वो माँ से विनती। एक दिन माँ सपने में आई अपना कन्या रूप बनाए। श्रीधर ने माँ के चरणों में दिया है अपना शीश झुकाए। पूछने से ही पहले माने युक्ति दी है एक बताए करो भंडारा मेरे नाम से। सारे गांव को बुलवाए न्योता सबको ही दे देना। तुमको जो कोई मिलता जाए बोला श्रीधर करूंगा वैसा। माता आप जो रही बताए सुबह उठा तो श्रीधर भक्त को चिंता खाए जाए। मैं तो बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण इतना भोजन कहाँ से आए। मैं तो बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण। न्योता देकर अपने
जाए, हलवा पूरी खीर चना है। ग्राम के वासी सुबह होते ही भोजन करने को है आए, एक अलौकिक कन्या आई, सबको रही भोजन करवा। छोड़ दी
गिराए कटे शीश से मांगी है माफी। बोला माता दया दिखाए वरना बरसों का तप मेरा। माता व्यर्थ यूं ही चला जाए ममता मई बनकर माता ने अपनी ममता दी बरसाए। बोली भैरों तप ये तुम्हारा व्यर्थ नहीं कभी होने पाए दर्शन करने पूरी तभी हो पाए करेंगे फिर दर्शन तेरे भी। चलाए फौज सुरेश भी तेरी कृपा।